चुनावी नतीजों ने एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बनाई। अब तक 292 सीटों पर एनडीए की जीत। इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 240 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है। वहीं 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर। आज दिल्ली में शाम को 4 बजे एनडीए दलों की बैठक हो सकती है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी हिस्सा लेंगे। आज शाम 6 बजे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक। सहयोगी दलों से बातचीत कर आगे की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने फूलों की बारिश कर अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। विक्ट्री का साइन दिखाकर जाहिर की खुशी। मंच पर पहुंचे पीएम मोदी को गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी चीफ ने फूलों की माला पहनाई। 9 जून तक हो सकता है शपथ ग्रहण। पीएम मोदी ने एनडीए की जीत को बताया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत। कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का अध्याय लिखेगा। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया। कहा कि आज का दिन भावुक करने वाला। मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी है। आज सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की हो सकती है बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा। विपक्ष ने पीएम मोदी पर एकजुट होकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि जो नतीजे आए हैं वो जनता और लोकतंत्र की जीत। कांग्रेस चीफ ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले कि जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए, ये उनकी नैतिक हार। राहुल गांधी ने यूपी की जीत पर जताई खुशी। कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। यह संविधान बचाने की लड़ाई थी और जनता ने कदम आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले कि पीएम मोदी से अडानी का भ्रष्टाचार का रिश्ता है। राहुल गांधी ने यूपी की जनता का आभार जताया। कहा कि यूपी की जनता ने तो कमाल कर दिया। ममता ने भी पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यह विश्वास की जीत। अमेठी से चुनाव में स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने 1,60,000 से ज्यादा के अंतर से हराया। बीजेपी के कई दिग्गज नेता और मंत्री आरके सिंह, निशित प्रमाणिक, अर्जुन मुंडा, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय मिश्र, टेनर संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर की हार हुई। 5 जून से 9 जून तक राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए बंद। शपथ ग्रहण की तैयारियों का दिया जा रहा है हवाला। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय के बाहर जीत की खुशी में आतिशबाजी। जीत की खुशी में उत्साहित दिखे कार्यकर्ता झूमने। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने ढोल बजाया। जमकर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी के कटआउट पर जलाभिषेक करते हुए नजर आए कार्यकर्ता। दिल्ली लोकसभा की सीटों पर बढ़त को लेकर पीएम मोदी की आरती उतारी गई। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पीएम मोदी के कटआउट के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाई। हिमाचल के कुल्लू में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। बीजेपी के झंडे के साथ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में लोकगीतों पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जमकर थिरकी महिला कार्यकर्ताएं। हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर की जीत पर जश्न। पटना में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश अब और चमकेगा। पुणे में रंग गुलाल उड़ाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। जीत की खुशी में झूमे समर्थक। अहमदाबाद बीजेपी दफ्तर में सीएम पटेल का स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी दिखी। लखनऊ में एसपी मुख्यालय में जीत पर आतिशबाजी हुई। समर्थकों ने मनाया जश्न। आजमगढ़ में एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जीते। दिनेश लाल यादव निरहुआ की हार हुई। गाजीपुर सीट से जीते एसपी प्रत्याशी अफजल अंसारी। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ तिवारी की हार। सुल्तानपुर में मेनका गांधी बड़े अंतर से हारी हैं। एसपी उम्मीदवार राम भुआल निषाद की जीत। हनुमानगढ़ में इंडिया गठबंधन की जीत से कांग्रेस में जोश। राजस्थान में बीजेपी की हार के चलते सीएम भजन लाल से इस्तीफा मांगा गया। विदिशा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने जीत का प्रमाण पत्र लिया। शिवराज सिंह ने जीत पर जनता का आभार जताया। दरभंगा में आरजेडी उम्मीदवार ललित यादव ने मानी अपनी हार। कहा कि जनता का आदेश सर आंखों पर।
इटावा लोकसभा से सपा प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे मतों से जीत, कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न देखने को मिला। कोल्हापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, डीजे बजाकर एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट आगा सैयद की बढ़त को लेकर कार्यकर्ताओं का जश्न देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रचा इतिहास, अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी ने 37 सीटें जीती। गोरखपुर से जीते बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन, एसपी कैंडिडेट काजल निषाद की हार। बस्ती से जीते एसपी प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी, बीजेपी प्रत्याशी हरिश्चंद्र की हार। बरेली से जीते प्रत्याशी क्षत्रपाल सिंह, एसपी प्रत्याशी प्रवीण सिंह की हार। चंदौली से जीते एसपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह, बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की हार। प्रयागराज में कांग्रेस की सियासी जमीन को उज्ज्वल रमण सिंह ने जीतकर बढ़ाया मान, 1984 के बाद कांग्रेस ने जीती सीट। प्रयागराज से जीते कांग्रेस उम्मीदवार प्रज्वल समन सिंह, बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी की हार। बांदा चित्रकूट सीट से सपा गठबंधन के प्रत्याशी कृष्ण पटेल की जीत, मौजूदा बीजेपी सांसद की हार। नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के विजय उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता का जताया आभार। फिरोजपुर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, हीटस्ट्रोक के चलते सरकारी कर्मचारी बेहोश। यूपी के अलावा गठबंधन इंडिया ने महाराष्ट्र में सबको चौंकाया, महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी ने आधे से ज्यादा सीटें जीती। महाराष्ट्र में 13 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बीजेपी को 9, शरद गुट की एनसीपी को 8, अजित पवार गुट को 1 सीट। बिहार की 40 में से 30 सीटों पर एनडीए की जीत, इंडिया गठबंधन को 9 और 1 सीट पर निर्दलीय की जीत। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के पांचों प्रत्याशियों को मिली जीत, चिराग की मां बोली कि मेरा बेटा और दामाद दोनों जीते। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जीत, पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव भी जीते। पश्चिमी चंपारण में बीजेपी के संजय जायसवाल तो वाल्मीकि नगर में जेडीयू के सुनील कुमार की जीत। लालू की दोनों बेटियों में एक को मिली जीत, एक की हार, मीसा भारती ने पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव को हराया। बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने लहराया जीत का परचम, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को हराया। बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन की जीत हुई है, कांग्रेस कैंडिडेट आकाश कुमार हारे। कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर जीते, जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी हारे। भागलपुर लोकसभा सीट से जेडीयू के अजय मंडल जीते, कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को हराया। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार आदित्य यादव लोकसभा चुनाव में अपनी जीत पर लोगों का जताया आभार। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा से हारे, सीपीआईएम कैंडिडेट सुदामा प्रसाद मिली जीत। गुजरात में लोकसभा की 26 में से 25 सीटों पर बीजेपी की जीत, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। डायमंड सिटी सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते, सूरत सीट का नतीजा चुनाव से पहले आ गया। टोडा में जंगलों में लगी हुई भीषण आग दूर तक फैली दिखी, आग की चपेट में आने से लाखों की मन संपदा खाक, आसमान में काला धुआं छाया। दतिया में जश्न के बाद आतिशबाजी में उठी चिंगारी, में एक दुकान में लगी आग, आग पर काबू पाया गया। रांची में बीजेपी कार्यालय में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, शहर भर में हड़कंप मचा। हैदराबाद में रोडवेज में बेकरी में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मंगलवार को शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट, निफ्टी 1379 अंक जबकि सेंसेक्स 4390 अंक गिरा। बाजार 5.74% टूटा, निवेशकों के 31 लाख करोड़ रुपए डूबे। सेंसेक्स 4389 अंक गिरकर 72079 पर बंद। आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी, चांदी भी बढ़ा। 100% फ्रूट जूस के दावों को लेकर लेबल और विज्ञापनों से हटाए एफएसएसएआई ने कहा कि फ्रूट जूस के गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही कंपनीज। इन्फोसिस सीईओ ने 66.25 करोड़ वेतन लिया है और सलील पारेख आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले दूसरे सीईओ बने। पंजाब के विधायक जी ने साधा पंकज त्रिपाठी पर निशाना, बोले कि इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स अपने स्ट्रगल को ग्लैमराइज करते हैं। बेटी के पेरेंट बने वरुण धवन और नताशा, पिता डेविड धवन ने पैपराजी को कंफर्म किया, करण जौहर ने दी बधाई। सैफ अली खान ने तलाक के बाद से फिल्मों में वापसी पर बोली अमृता सिंह, कहा था कि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे मुझे लूजर समझें। रणबीर कपूर स्टार किड नहीं होते तभी स्टार होते, जयदीप अहलावत बोले कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है। दो बार डिप्रेशन में रहे पंचायत के बनराकस, बोले कि कास्टिंग डायरेक्टर के पैरों में गिर कर मांगे रोल।